हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अल्काइन्स। तो हम पहले पढ़ेंगे अल्काइन का प्रिपरेशन के बारे में। यहाँ पे टॉपिक का नाम है अल्काइन्स, इसका हम पढ़ेंगे यहाँ पे प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज। तो पहले देखते हैं अल्काइन का प्रिपरेशन मेथड्स। देखिए, काफ़ी सारे रिएक्शंस अल्काइन का और एल्किन का सिमिलर है, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन्स। प्रिपरेशन कैन बी डन बाई डिफरेंट मेथड्स। पहले इसमें लिखेंगे यहाँ पे डीहाइड्रोहैलोजनेशन, इट इज डबल डीहाइड्रोहैलोजनेशन, डबल डी हाइड्रोहैलोजनेशन ऑफ डिसिनल और जेमिनल डायहैलाइड्स, ऑफ डिसिनल और जेमिनल डायहैलाइड्स। पहला आपका रिएक्शन क्या है? डबल डीहाइड्रोहैलोजनेशन ऑफ डिसिनल एंड जेमिनल डायहैलाइड्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है डबल डिहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन के अंदर? हमारे पास एक कंपाउंड दे रखे हैं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिसिनल, यहां पर हमारे पास हैलोजन एटम रखे हैं, दो एटम कार्बन एटम है। एटम कैसे हैं? विसिनल एटम होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? विसिनल कार्बन एटम्स और एडजेसेंट कार्बन एटम्स, दोनों पे हैलोजन लगा हुआ है, तो इसी को बोलते हैं विसिनल डायहैलाइड। व्हाट इज जेमिनल? अगर सेम सी पर दोनों सेम होते हैं फंक्शनल ग्रुप, तो इसको हम बोलते हैं जेमिनल डायहैलाइड। ये कैसा है? जेमिनल और जेम डायहैलाइड। इसको हम रिएक्शन करते हैं पहले एल्कोहलिक KOH से हीट करने पर। तो पहले क्या आपको देगा प्रोडक्ट? यहां पर हुआ एलिमिनेशन ऑफ वन इक्विवेलेंट ऑफ HX। सपोज हमने यहां से निकाला H, तो यहां से अपर X निकल जाएगा। अब क्या होगा? यहां पर एक बचेगा हेलोजन एटम, एक बचेगा हाइड्रोजन एटम। अगर हम ये लिखते हैं स्ट्रक्चर, यहां पर चेंज होगा पोजीशन, यहां पर होगा हाइड्रोजन, यहां पर होगा हेलोजन, फर्क नहीं पड़ता है। हमने यहां पे एक जनरल रिएक्शन लिखा है, तो इस जनरल रिएक्शन में क्या होता है, हम दोनों को लिख लेते हैं यहां पर है। अब क्या होता है? सेकंड स्टेप एलिमिनेशन डिफिकल्ट हुआ इस रिएक्शन में। उसका रीजन क्या है? देखो, यहां पर हेलोजन एटम पर लोन पेयर होते हैं, तो होता क्या है, इस लोन पेयर की वजह से यहां पर एक रेजोनेंस हो जाएगा इसके अंदर। और क्या हुआ रेजोनेंस की वजह से? कार्बन एंड हेलोजन बॉन्ड, दे विल डेवलप पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, तो इसका एलिमिनेशन क्या होगा, डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम क्या लेते हैं सेकंड स्टेप के लिए, फॉर सेकंड स्टेप वी टेक ए मच स्ट्रॉन्गर बेस। हम क्या लेते हैं सेकंड स्टेप के लिए? एक इससे भी अधिक स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, जो कि एच को ले ले पहले और फिर फोर्स करता है एक्सपल्शन ऑफ द एक्स नेगेटिव आयन। समझ में नहीं है कि पहला स्टेप तो आराम से जाएगा दोनों केस में, लेकिन सेकंड स्टेप के लिए हमको एक स्ट्रॉन्गर बेस चाहिए होता है रिएक्शन करने के लिए। और हम क्या लेते हैं, प्रेफर करते हैं NaNH2, मतलब टेक NaNH2 लिक्विड अमोनिया टाइप रिएक्शन। तो क्या होगा इस केस में? तब ये आपको देगा अल्काइन फॉर्मेशन। और NH2 नेगेटिव टेक H+ साइन, तो क्या बनेगा इसमें? अमोनिया प्लस NaX, ये हमारा आएगा रिएक्शन का प्रोडक्ट अल्काइन फॉर्मेशन। तो यहां पर सेकंड स्टेप लेने रिएक्शन करने के लिए हमको एक स्ट्रॉन्गर बेस चाहिए होता है। इसका रीजन क्या है स्ट्रॉन्ग बेस लेने के लिए? क्योंकि एक बार हमारा एक मोल HX बाहर निकल जाएगा, हैलोजन बचता है उसका लोन पेयर का, और यहां पर जो एल्किन का पाई बॉन्ड का कंजुगेशन आ जाते हैं दोनों। क्या हुआ उस कंजुगेशन की वजह से? कार्बन टू हैलोजन बॉन्ड विल हैव डबल बॉन्ड करेक्टर, तो क्या हुआ उससे ये CX बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है और इसका ब्रेकअप होना डिफिकल्ट होता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस का काम क्या होगा? H को ले लेगा पहले, H का एफिनिटी ज्यादा हुआ है स्ट्रॉन्ग बेस का, तो H को लेगा पहले और फिर ये फोर्स करता है एलिमिनेशन ऑफ X नेगेटिव आयन को। समझना है? एक और तरीका होता है डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग बेस लेने रिएक्शन के लिए। अगर हम डायरेक्टली स्ट्रॉन्गर बेस यहां पर NaNH2XS, हमको रिक्वायर्ड होगा रिएक्शन में टू इक्विवेलेंट लेंगे तो भी सेम कहानी है, HX का एलिमिनेशन हुआ एक मोल का, तो ऐसे बनते हैं सेकंड इक्विवेलेंट से आपका अल्काइन बनेगा रिएक्शन में। तो ये हमारा पहला मेथड हुआ डबल डिहाइड्रोहैलोजनेशन। सिंपल तो नाम है डिहाइड्रोहैलोजनेशन, दो बार करते हैं तो नाम लिखा है डबल डिहाइड्रोहैलोजनेशन ऑफ द विसिनल और जेमिनल डायहैलाइड्स। क्या आपको देंगे इस रिएक्शन में? अल्काइन। यहां पे कंडीशन क्या है? इस टाइप का स्ट्रक्चर होना चाहिए कि दो एच पास में होना चाहिए, ताकि हमारा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को निकालने के लिए दो दो एच चाहिए होते हैं, या तो ऐसे हो तो दोनों में सीक्वेंस एक एक अच्छा ही होता है, नहीं तो इस टाइप होना चाहिए। ये रिएक्शन आपका स्पेशली सूटेबल होता है टू प्रिपेयर द टर्मिनल अल्काइन्स।
दिस रिएक्शन इज मच सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्मिनल अल्काइन्स, उसके लिए यूज करते हैं, क्योंकि एक बार आपका अल्काइन बनेगा स्ट्रॉन्गर बेस में तो उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है, सेपरेशन होना इज देता है। तो एनीवे ये हुआ हमारा पहला रिएक्शन, डबल डिहाइड्रोहैलोजनेशन ऑफ विसिनल और जेमिनल डायहैलाइड्स। इसमें हमारा नेक्स्ट रिएक्शन रहता है प्रिपरेशन के लिए डीहैलोजनेशन, डीहैलोजनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड्स, टेट्राहैलाइड्स। इसमें कहते हैं डीहैलोजनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड्स, ये भी हमारा मेथड होगा इसके प्रिपरेशन के लिए अल्काइन्स के लिए। यहां पर कैसे आपको रिक्वायर्ड टेट्राहैलाइड्स, दे शुड बी विसिनल टाइप। यहां पर क्या हुआ रिएक्शन में एक्स कॉमन टेकन क्लोरीन और ब्रोमीन, रिएक्शन हम कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट प्लस मिथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड एंड हीट, तो भी आपको प्रोडक्ट में देगा अल्काइन प्लस टू इक्विवेलेंट ऑफ ZN H2। और हम रिएक्शन करते हैं NaI एसीटोन के साथ में, तो भी हमारा सेम काम आएगा रिएक्शन के अंदर, प्रोडक्ट में क्या बनाया आपका यहां पे अल्काइन प्लस हमारे आएंगे बाय प्रोडक्ट यहां पर I2 बनेगा टू इक्विवेलेंट प्लस फोर इक्विवेलेंट ऑफ NaX, NaI एसीटोन। दोनों ही केस में इस रिएक्शन के अंदर और इसका जो पहला रिएक्शन था डबल डिहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन, दोनों रिएक्शन में कैसा होता है एंटी एलिमिनेशन, क्या हुआ दोनों रिएक्शन में हैलोजन्स का यहां पर हुआ एंटी एलिमिनेशन। इससे पहले जो रिएक्शन था डबल डिहाइड्रोहैलोजनेशन वहां पर भी होता है एंटी एलिमिनेशन ऑफ द हाइड्रोजन एंड हैलोजन, यहां पर हैलोजन एटम का दो इक्विवेलेंट आपका हेल्प करता है, आई ना लेते हैं आई नेगेटिव आयन तो भी आपको हेल्प करता है इसे निकालने में, सेकंड लेंगे तो अल्काइन बनाएगा फाइनली। तो इस तरह से हमारा रिएक्शन हुआ ये वाला डीहैलोजनेशन, दो बार करना पड़ता है इस प्रेजेंस में, तो हमको देगा अल्काइन प्लस ZnH2 या यहां पर आएगा डिफरेंट बाई प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एक रिएक्शन। नेक्स्ट इसके बाद हम लेते हैं अगला रिएक्शन, देखिए जो हमारा अगला रिएक्शन होता है इस केस में है वो होता है आपका कार्बाइड से बाय रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड्स। व्हाट आर कार्बाइड्स, एक्चुअली कार्बाइड्स कार्बन हैव नेगेटिव चार्ज। सबसे कॉमन आप रिएक्शन पढ़ते हैं क्लास 10th में पढ़ते हैं रिएक्शन को, तो है कि एक रिएक्शन होता है हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड का, इसका हम रिएक्शन करते हैं हाइड्रोलिसिस वाटर की हेल्प से, तो रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस रिएक्शन के प्रोडक्ट एसिटिलीन, इसको हम क्या बोलते हैं कैल्शियम कार्बाइड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसका जो नेगेटिव पार्ट है आयन का उसको बोलते हैं दे कंटेन द अनायन दैट इज कॉल्ड एसिटाइलाइड आयन। CaC2 कैसा होता है एक आयनिक कंपाउंड है, इसमें कौन से आयन होते हैं CaC2 के अंदर कैल्शियम प्लस टू आयन होगा प्लस C2 नेगेटिव आयन होता है। एग्जाम में फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछ लेता है कि इन कैल्शियम कार्बाइड बिटवीन टू कार्बन एटम्स दे हैव हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, बिटवीन टू कार्बन एटम्स दे हैव हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो आपको इसका स्ट्रक्चर चाहिए होता है, कैल्शियम नो डाउट आयनिक हो गया, ये नेगेटिव आयन होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है दो कार्बन एटम होते हैं दोनों पर होगा नेगेटिव वन चार्ज ईच, दो कार्बन पे एक पे दोनों पे होगा माइनस माइनस वन चार्ज ईच होगा, ये हमारा आयन होता है इसका नाम होता है कार्बाइड आयन, और इसी को बोलते हैं क्या है ये कंजुगेट बेस है एसिटिलीन का, इसका नाम होता है एसिटाइलाइड आयन। क्या होगा दो मोल वाटर से रिएक्शन इसका होता है एक्चुअली में, दो मोल वाटर से एक एच देगा यहां से एक एच देगा यहां से, तो क्या होगा दो OH नेगेटिव निकलते हैं वो बनाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और यहां पर आपको देगा प्रोडक्ट रिएक्शन के अंदर एसिटिलीन। यहां पर क्या है दो कार्बन एटम के बीच में एक होता है सिग्मा बॉन्ड और दो होंगे पाई बॉन्ड्स। क्वेश्चन पूछता है कि बिटवीन टू कार्बन एटम्स वी हैव हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, तो बिटवीन टू कार्बन एटम्स क्या है इस केस में एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दो पाई बॉन्ड होते हैं, समझ में आया। तो एक हुआ एग्जांपल ये, इसमें एक रिएक्शन होता है मैग्नीशियम कार्बाइड, उसका फॉर्मूला है Mg2C3। एक्चुअली होता क्या है जब हम रिएक्शन करते हैं अल्कली मेटल्स का कार्बन से तो वो बनाते हैं इस टाइप के कार्बाइड कॉमन है उसमें, Mg2 क्या होता है
उतना स्टेबल नहीं है, और क्या होता है हीट करने पर डिकम्पोज होता है इस कंपाउंड में Md2C3 में। इसका जब रिएक्शन करते हैं वाटर से तो प्रोडक्ट क्या बनता है इस केस में, इट गेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जितना मैग्नीशियम उतना ना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दो चार ऑक्सीजन तो फोर वाटर, और प्रोडक्ट क्या देगा इस केस में प्रोपाइन। इन द रिएक्शन रेट प्रोडक्ट प्रोपाइन। अब प्रोपाइन में क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ, यहां पर लिखते हैं आयनिक फॉर्म में मैग्नीशियम प्लस टू आयन होगा, प्लस अगर हम ड्रॉ करते हैं कंजुगेट बेस, एक सी पर सिंगल बॉन्ड कार्बन और अगला होगा ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से, तो चार्ज क्या होगा माइनस थ्री चार्ज, यहां पर माइनस वन चार्ज, यहां रेजोनेंस पॉसिबिलिटी होगा स्ट्रक्चर के अंदर, प्रोडक्ट बनता है ये, तो इसके करस्पॉन्डिंग मैंने स्ट्रक्चर ही लिखा है इस रिएक्शन में। तो इसमें क्या रिएक्शन होगा, चार्ज कितना है माइनस फोर है, तो फोर वाटर मॉलिक्यूल से इसका रिएक्शन होगा और फोर OH नेगेटिव निकल जाएंगे। कार्बन क्या है स्ट्रॉन्ग बेस होगा, अगर सी पर माइनस चार्ज होगा तो क्या होता है कार्बन वेरी स्ट्रॉन्ग बेस होगा, इसलिए यहां से H लेगा एक, यहां से तीन H लेंगे धीरे धीरे तीन वाटर मॉलिक्यूल से, तो टोटल हमको चाहिए फोर मोल वाटर रिएक्शन में, और प्रोडक्ट बनता है आपका प्रोपाइन। क्या है आपका रिएक्शन में प्रोडक्ट प्रोपाइन, तो इसका नाम होता है आयन का, इट इज नॉर्मली कॉल्ड अलाइल आयोडाइन, प्रोडक्ट प्रोपाइन है कॉमन अलाइलिन, तो करस्पॉन्डिंग नेम इज गिवन टू दिस कंपाउंड कंजुगेट बेस कॉल्ड अलाइलाइड, इसी का कंजुगेट बेस है। अगर हम सारे एच निकाल दें इस कंपाउंड से, अगर हम सारे एच निकाल देंगे तो क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका आयन, यहां पर समझ में आ गया। तो एक ये बना प्रोपाइन, हमारे पास दो रिएक्शन और भी है, एक होता है बेरिलियम कार्बाइड, एक होता है Al4C3। दीज टू कंपाउंड्स इन द रिएक्शन विल हाइड्रोलाइज, दे डू नॉट गिव अल्काइन, बट एक कॉमन रिएक्शन है आपको क्वेश्चन में हेल्प करता है, इसलिए आपको यहां पे लिखा दे रहा हूं, दीज टू कार्बाइड विल नॉट गिव अल्कीन और अल्काइन, दे गिव बोथ गिव मिथेन व्हेन इन द रिएक्शन हाइड्रोलाइज फोर वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यहां पर आपको देगा प्रोडक्ट बेरिलियम हाइड्रोक्साइड टू मोल्स प्लस मिथेन गैस, यहां पर क्या देगा 12 वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि देखो जितना हमारा एल्यूमिनियम है उतना बनाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, वैलेंसी 3 होता है तो कितना हुआ हमको चाहिए इसमें ऑक्सीजन कितना 3, 4, 12, तो 12 वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस क्या देगा 3 मोल्स ऑफ मिथेन गैस। तो ये दो कंपाउंड ऐसे होते हैं रिएक्शन में, बोथ दिस कंपाउंड इन द रिएक्शन व्हेन हाइड्रोलाइज दे गिव मिथेन गैस on the reaction of hydrolysis, so we call these two carbide as methanides, inka naam kya hota hai methanides, we call these two carbide as methanides, samajh mein aaya। to ye hamara reaction hua by reaction of hydrolysis of carbides, I hope yahan tak clear aapka hoga reaction wala। chaliye agla reaction dekhte hain, ek aata hai acid, hamara jo alkyne hote hain do type ke alkyne le sakte hain, ek hota hai alkyne terminal और एक होता है अल्काइन नॉन टर्मिनल। तो अगला जो प्रॉपर्टी हमारा है वो बेस होता है एसिडिक नेचर ऑफ द टर्मिनल अल्काइन्स, जिसकी हेल्प से हम आ सकते हैं लोअर अल्काइन टू हायर अल्काइन्स। ठीक है, तो हमारा जो अगला रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन्स का, वो होता है फ्रॉम लोअर अल्काइन्स। यहां पर हम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं लोअर अल्काइन्स का, यूजिंग एसिडिक नेचर ऑफ टर्मिनल अल्काइन्स, यूजिंग एसिडिक नेचर ऑफ टर्मिनल अल्काइन्स, उस प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हायर अल्काइन्स। एक्चुअली होता क्या है, जो हमारे अल्काइन होते हैं आप ये पढ़े हुए ऑलरेडी हैं जीओसी के अंदर कि हमारे अल्काइन्स एल्किन्स और एल्केन्स में सबसे अधिक एसिडिक कौन से होते हैं कंपाउंड अल्काइन, अगर स्पेशली कैसे होते हैं व्हेन दे टर्मिनल। इसका रीजन क्या होता है कि इन अल्काइन्स व्हेन इट टेक कंजुगेट बेस, तो क्या हुआ इसमें कंजुगेट बेस में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, इसका मीनिंग क्या, कार्बन में मोर s करेक्टर होगा, तो कार्बन क्या होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर आएगा माइनस चार्ज तो स्टेबिलिटी अधिक होता है कार्बन आयन का या कंजुगेट बेस का। अगर क्या है व्हेन वी हैव मोर स्टेबल कंजुगेट बेस तो क्या होगा स्पेस में हमारा जो अल्काइन बनेगा रिएक्शन के बाद जो कंजुगेट बेस होता है अल्काइन का दैट इज स्टेबल, तो अल्काइन्स बिकम एसिडिक। तो यहां पर जो प्रॉपर्टीज करते हैं एसिडिक नेचर ऑफ टर्मिनल अल्काइन्स वो हेल्प करता है इसमें प्रिपरेशन में। तो कॉमन रिएक्शन है
अगर हमारे पास एल्काइन दिया है, इसका रिएक्शन करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस से, स्ट्रॉन्ग बेस से, जैसे हमारे पास रिएक्शन करते हैं एन ए एन एच टू से, तो क्या होगा इस केस में, ये क्या बनाएगा, आर सी सी नेगेटिव एन ए प्लस प्लस अमोनिया गैस। देखो अगर आपको थोड़ा सा डाटा है या आपको याद होगा हल्का सा, अगर हम एसिडिक नेचर कंपेयर करते हैं अल्काइन्स का, वाटर का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो क्या होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में, अगर हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का मोर एसिडिक कंपेयर टू देन फिनॉल, देन डेक वाटर, देन एल्कोहल, एल्कोहल में क्या लिविंग मिथाइल एल्कोहल, बाकी अल्कोहल क्या होंगे वाटर से कम एसिडिक होते हैं, फिर हमारा आता है इसके बाद टर्मिनल अल्काइन्स, फिर आएगा हमारा अमोनिया, फिर एल्किन्स और फिर आएगा एल्गेन्स। ये हमारा एक रफ ऑर्डर था। तो इसका मीनिंग क्या होता है, अगर हम कंपेयर करते हैं एसिडिक जो एसिडिक यहां पर एच होगा ये वाला, इट कैन बी रिमूव बाय ओनली स्ट्रॉन्गर बेस। स्ट्रॉन्गर बेस का मीनिंग क्या है, इन कंपाउंड के कंजुगेट बेस, वही यहां से एच ले सकते हैं। अगर आप लेंगे इन कंपाउंड में कंजुगेट बेस, वो यहां से एच नहीं ले सकते हैं। कहने का मीनिंग क्या है, अगर हम सिंपल रिएक्शन ट्राई करते हैं कि हमने रिएक्शन कर दिया इस कंपाउंड का NaOH से और उसने यहां से एच ले लिया और सॉल्ट बना दिया, तो यहां पर रिएक्शन फेवर नहीं होता है इस तरह का कंपाउंड बनाने के लिए। प्लस वाटर, ये रिएक्शन आपका फेवर नहीं हो पाता है इस केस में। इसका रीजन क्या है, अल्काइन्स क्या है कम एसिडिक है, अल्काइन्स क्या है कम एसिडिक है वाटर से, तो मीनिंग क्या है, कंजुगेट बेस का ऑर्डर क्या होगा, अगर हम कंपेयर करते हैं आर सी नेगेटिव आयन, ये स्ट्रॉन्गर बेस होगा कंपेयर टू OH नेगेटिव आयन्स, बट अमोनिया क्या था इससे कम एसिडिक है, तो NH2 नेगेटिव क्या होगा स्ट्रॉन्गर बेस होता है कंपेयर टू देयर कंजुगेट बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस कैन टेक अवे हाइड्रोजन प्लस फ्रॉम सच अल्काइन्स। OH नेगेटिव क्या है स्ट्रॉन्गर बेस है नो डाउट, बट ये कंपेयर टू अल्काइन्स कंजुगेट बेस कैसा होता है, वीकर बेस होता है। तो इस रिएक्शन में OH नेगेटिव के अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि वो यहां से H ले पाए, स्ट्रॉन्गर बेस होगा वो यहां से H लेगा रेडली और तब ये हमारा रिएक्शन बनता है इस तरह का। ये रिएक्शन और भी पॉसिबल होता है अगर हम रिएक्शन करते हैं एक्टिव मेटल से, कि मान लो हमारे पास अल्काइन टर्मिनल दिया है, इसका रिएक्शन कर दिया हमने एक्टिव मेटल लाइक सोडियम मेटल से हीट कर दिया, बिना हीट के रिएक्शन होगा स्लो बट हीटिंग का रिएक्शन बहुत रेडली होता है, क्या बनेगा इस केस में Na प्लस प्लस दे लिबरेट हाइड्रोजन गैस। यहां पे था अमोनिया का फॉर्मेशन, यहां पर क्या है लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। दोनों केस में एक चीज देखिए कि ये यहां पे बनते हैं अनायन बनते हैं, ये अनायन क्या होते हैं, दे दीस अनायन कैन एक्ट एज गुड और इनफैक्ट बेटर न्यूक्लियोफाइल्स इन द रिएक्शन, दे कैन एक्ट एज स्ट्रॉन्ग बेस एंड ऑल्सो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल्स, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल्स। तो इस क्वेश्चन में इनफैक्ट इस मेथड के अंदर हमको प्रिपेयर करना था हायर अल्काइन्स लोअर अल्काइन्स, तो हम यहां पे ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं, इनका स्ट्रेंथ एज न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रेंथ एज न्यूक्लियोफाइल वो प्रॉपर्टी यूज करते हैं इस रिएक्शन को हम कराने के लिए, कि फ्रॉम लोअर अल्काइन्स वी कैन गेट हायर अल्काइन्स बाय दिस रिएक्शन यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, इनका स्ट्रेंथ एज न्यूक्लियोफाइल्स वो प्रॉपर्टी यूज करते हैं अल्काइन बनाने के लिए। ठीक है, कैसे यूज करते हैं इसको समझते हैं थ्रू वन क्वेश्चन। देखिए हमें एक क्वेश्चन जैसे दिया है, कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट एसिटिलीन टू टू पेंटाइन, टू पेंटाइन मीन्स लेट्स से पेंट टू आयन और पेंटाइन टू, हम इसको टू पेंटाइन, ये हमको कंपाउंड बनाना इस रिएक्शन में। ठीक है, तो इसके प्रिपरेशन में हम क्या देखेंगे, जो हमारा अल्काइन है ओरिजिनल उसको हमको देखना है और क्या ग्रुप एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है उनको देखना है। एक बार आप क्वेश्चन को चाहे तो खुद भी ट्राई कर सकते हैं वीडियो पॉज करके एंड देन सी द सॉल्यूशन पार्ट। ठीक है, नाउ लेट्स कम ऑन सॉल्यूशन पार्ट। अगर आप देखो स्टार्टिंग में जो अल्काइन था हमारे पास उसमें से ये स्ट्रक्चर हमारा रिटेन हुआ है, इतना पार्ट अभी भी सेम है। इस अल्काइन के अंदर हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमको रिक्वायर्ड है लेफ्ट साइड में मिथाइल ग्रुप और हमें रिक्वायर्ड है राइट साइड में इथाइल ग्रुप, हमको ये दो ग्रुप रिक्वायर्ड होंगे रिएक्शन में। यहां पर ये दो ग्रुप रिक्वायर्ड है इस रिएक्शन के लिए हमको।
तो इस रिएक्शन में हम देखते हैं कैसे हम ग्रुप को लाएंगे दोनों को। पहले हमने रिएक्शन किया इसका एक इक्विवेलेंट NaNH2 से वन इक्विवेलेंट, क्योंकि दोनों एसिडिक एच होंगे तो हमें कंट्रोल रिएक्शन करना है, तो पहले लेंगे वन इक्विवेलेंट। तो क्या हुआ, एक तरफ से हमने एच निकाल दिया, अभी दोनों इक्विवेलेंट हैं। फ्रॉम एनी साइड यू कैन रिमूव हाइड्रोजन प्लस, अमोनिया बाहर निकल जाएगा रिएक्शन से। और फिर क्या हुआ, इसका जो प्रॉपर्टी है, स्ट्रेंथ होगा, रिएक्टिविटी है एज न्यूक्लियोफाइल, वो प्रॉपर्टी में यूज करते हैं। क्या लेंगे इसको, हमको रिक्वायर्ड राइट साइड में इथाइल ग्रुप सपोज, तो हमने लेंगे इथाइल आयोडाइड। कार्बन यहां पर क्या होता है, दिस कार्बन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, तो रिएक्शन फेवर कॉमनली SN2 मैकेनिज्म, जिसका मीनिंग होता है स्लो स्टेप में अटैक करेगा, 2 फॉर बायमोलिकुलर एंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक एज पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और क्या देगा आपको प्रोडक्ट रिएक्शन के अंदर, CH ट्रिपल बॉन्ड C, और क्या है इस तरफ CH2 CH3। हमारा एक तरफ रिक्वायर्ड था इथाइल ग्रुप, आपको मिल गया। अब हमको रिक्वायर्ड है लेफ्ट में मिथाइल ग्रुप, तो कैसे लेंगे, फिर से रिएक्शन किया हमने, एक और इक्विवेलेंट लेंगे NaNH2 का सेकंड इक्विवेलेंट, और अमोनिया बाहर निकलेगा इसमें से एसिडिक एच लेकर, तो क्या आएगा इसमें कंजुगेट बेस Na+C- CH2 CH3। अब हमको रिक्वायर्ड है इसमें मिथाइल ग्रुप लेफ्ट साइड में, तो रिएक्शन करते हैं मिथाइल आयोडाइड से। तो हमको ये प्रोडक्ट देगा इस रिएक्शन के अंदर है मिथाइल मिल हमको है। दैट इज यू कैन सी कि इस रिएक्शन में हमने क्या किया, एक लिया लोअर अल्काइन, इसका मतलब क्या है, इस अल्काइन में दो ही कार्बन एटम थे, इससे हमने प्रिपेयर किया है एक हायर अल्काइन जिसमें ज्यादा कार्बन एटम दिए हैं, तो इसी को बोलते हैं लोअर अल्काइन टू हायर अल्काइन प्रिपरेशन बाय यूजिंग एसिडिक नेचर। इसमें एक चीज देखिए, हमने यहां पे लिया आयोडाइड, ये हम टॉपिक डिटेल पढ़ेंगे टॉपिक एल्कोहलाइड्स SN1 SN2 मैकेनिज्म। फिलहाल देखिए दोनों टाइप में, दोनों टाइप के रिएक्शन क्या होता है, SN2 फेवर होते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में, और यहां पर क्या है रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर हम कंपेयर करते हैं, तो अल्काइल आयोडाइड इज मोर रिएक्टिव देन अल्काइल ब्रोमाइड एंड देन अल्काइल क्लोराइड। क्यों, इट डिपेंड ऑन द लीविंग ग्रुप एबिलिटी। क्यों हम जानते हैं चीज की, वीकर द बेस बेटर द लीविंग ग्रुप, बेटर द लीविंग ग्रुप, ये प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं, वीकर द बेस बेटर द लीविंग ग्रुप प्रॉपर्टी। तो यहां पर क्या है, आई निगेटिव एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है क्योंकि वीकर बेस है कंपेयर टू Cl- और Br-। तो इस रिएक्शन में हम क्या ले सकते हैं, वी कैन टेक इथाइल और मिस अल्काइल आयोडाइड ब्रोमाइड और क्लोराइड, बट प्रेफर करते हैं आयोडाइड को लेने में क्योंकि वीकर बॉन्ड होता है, और आई निगेटिव क्या होते हैं, वीकर बेस होते हैं कंपेयर टू Cl- और Br- बोथ, तो कैसे होते हैं, अच्छे लीविंग ग्रुप होते हैं, उनका एलिमिनेशन करना इजी होता है, इसलिए हम बोलते हैं वीकर द बेस बेटर द लीविंग ग्रुप इन द रिएक्शन, और वो हमारा इस रिएक्शन में हेल्प करता है इस कंपाउंड के प्रिपरेशन में। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ये हुआ हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर विल फॉलो दिस पैटर्न इन दिस कंपाउंड। और इसे देखिए, इस रिएक्शन में जब RX लेते हैं, कोई भी हम लेंगे इस रिएक्शन में अटैक करने के लिए अल्काइल हाइड्रोजन को, तो यहां पर क्या होता है, इस रिएक्शन को फेवर करने के लिए एक चीज ध्यान रखना कि RX इन दिस रिएक्शन विल टेक दिस आयोडाइड विल टेक एन अल्काइल हाइड्रोजन शुड बी प्राइमरी। अगर हम सेकेंडरी लेते हैं, सिंस सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हाइड्रोजन्स विल ऑल्सो अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन, अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन, कौन सा एलिमिनेशन, E2 रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या होता है, R नेगेटिव जो आपके बेस होते हैं कंजुगेट बेस, वो क्या है, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, और साथ साथ क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर बेस भी होते हैं, तो अगर हमको रिएक्शन में रिक्वायर्ड होगा हायर अल्काइन, तो हम यहां पे प्रेफर करते हैं ओनली प्राइमरी हैलाइड को लेने के लिए। सेकेंडरी हैलाइड में क्या होता है, कॉम्पिटिशन रहता है, कुछ आपका एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनता है और कुछ प्रोडक्ट बनता है बाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट अगर लेंगे 3 डिग्री अल्काइल हाइड, तो खाली एल्कीन बन जाएगा उस रिएक्शन में, क्या बनेगा उसके में, ओनली दे गिव एल्कीन फॉर्मेशन। इसलिए इस रिएक्शन को फेवर करने के लिए हम क्या लेते हैं, वी प्रेफर टू टेक ओनली प्राइमरी अल्काइल हाइड्स, उसकी हेल्प से बना सकते हैं इस केस में लोअर टू हायर अल्काइन्स। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या यूज करते हैं,
रिएक्टिविटी एज न्यूक्लियोफाइल और एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल. अगर बेस कलर ले लेंगे तो फिर एलिमिनेशन रिएक्शन होगा. तो एनीवे ये हमारा एक रिएक्शन होता है लोअर अल्काइन टू हायर अल्काइन्स यूजिंग एसिडिक प्रॉपर्टी, एसिडिक नेचर ऑफ टर्मिनल अल्काइन्स, वो यूज करते हैं इस रिएक्शन के लिए. ठीक है, यहाँ पर कुछ टेस्ट आपके और होते हैं, वो हम जो अल्काइन शो करते हैं वो भी देखते हैं. वो भी प्रॉपर्टी स्पेशल है ओनली फॉर द टर्मिनल अल्काइन्स. एक बार उसको भी देख लेते हैं. तो हमारा जो नेक्स्ट इसमें रिएक्शन आता है टेस्ट ऑफ टर्मिनल अल्काइन्स और हाउ कैन डिस्टिंग्विश सच काइंड ऑफ अल्काइन्स फ्रॉम द नॉन टर्मिनल अल्काइन्स. देखिए इसमें बहुत कॉमन क्वेश्चन देता है आपको, रिएक्शन जब देते हैं क्वेश्चन में रोड मैप टाइप क्वेश्चन, यह होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. उसमें हमारे दो टाइप के अल्काइन हो सकते हैं. अल्काइन में क्या है, एक अल्काइन होगा नॉन टर्मिनल और एक अल्काइन होगा टर्मिनल, उनको डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं. उसमें हमारे कुछ कॉमन टेस्ट हैं. देखो एक तो होता है इसका डिस्टिंक्शन के लिए जो हमने ऑलरेडी देखा था, लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. जिसे हमारा अगर अल्काइन दिया है टर्मिनल, इसका हम रिएक्शन करते हैं सोडियम मेटल से हीट करने पर क्या देगा, इट फॉर्म सोडियम सॉल्ट्स ऑफ द अल्काइन, अल्काइनाइडाइन बोलते हैं इनको, प्लस दे लिबरेट हाइड्रोजन गैस. बहुत ईजी होता है, H2 गैस का बबल्स निकलते हैं तो एक आइडेंटिफिकेशन है कि हाँ गैस कुछ निकल रही है हमारे रिएक्शन में. एक होता है रिएक्शन ऑफ नॉन अगेन दिस काइंड ऑफ अल्काइन विद NaNH2, स्ट्रॉन्ग बेस होगा NH2 नेगेटिव आयन, वो यहां से एच लेगा तो भी क्या देगा इसमें, इट लिबरेट इन द रिएक्शन अमोनिया गैस, इट हैव टिपिकल स्मेल, ऑन हीटिंग इट लिबरेट इजीली. और क्या होता है इसमें, अगर हम रिएक्शन करते हैं मिथेन से, स्ट्रॉन्गर बेस होना चाहिए. तो अगर हम रिएक्शन करते हैं, लेट्स से रिएक्शन डन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 MgBr, तो यहां पर भी क्या होगा इस रिएक्शन में, सब में ही हम यहाँ पे एसिडिक प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं. ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा, यहां से एच लेगा, CH3 नेगेटिव आयन भी स्ट्रॉन्ग बेस है, यहां से एच लेगा, क्या बनाएगा इसमें, इसका सॉल्ट बनेगा अल्काइन का, प्लस इसमें देगा मिथेन गैस. ठीक है, और क्या होगा इसमें रिएक्शन, इसमें दो आयन स्पेशल टेस्ट होते हैं. अगर हमारे ये अल्काइन दिया है, इसका हम रिएक्शन करते हैं विद हैवी मेटल सॉल्ट्स लाइक सॉल्यूशन टेकन ऑफ AgNO3 इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वी राइट दिस एज अमोनियबल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट. तो क्या होगा इस रिएक्शन में, यहां पे बनते हैं हमारे सॉल्ट हैं सिल्वर सॉल्ट, ये क्या देगा इसमें वाई पीपीटी, फॉर्मेशन ऑफ वाई पीपीटी इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ टर्मिनल अल्काइन्स इन द हाइड्रोकार्बन्स. बहुत सिंपल ही वाला रिएक्शन, प्लस आपका जो भी देगा सॉल्ट या बाई प्रोडक्ट में. यहां पर क्या होता है, ऐसे अल्काइन होते हैं दे कैन डिकम्पोज ऑन स्लाइड हीटिंग विद द ड्राइड. इसको क्या होता है, जब वे वेट होते हैं तभी इनको डिकम्पोज करना चाहिए. डिकम्पोज कैसे कर सकते हैं इसको, बाई यूजिंग प्रेजेंस ऑफ HNO3, इन प्रेजेंस ऑफ HNO3 दे आर डिकम्पोज. क्योंकि अगर हम इसको ड्राई होने देंगे तो क्या होता है, दे कैन एक्सप्लोड एंड कैन कॉज एक्सीडेंट. तो बाई एक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स मिनरल एसिड्स दे कैन बी डिकम्पोज टू गिव दैट द स्टार्टिंग अल्काइन, प्लस Ag सॉल्ट अप्लाई जाएगा AgNO3. तो ये एक बहुत कॉमन टेस्ट है आपका, फॉर्मेशन ऑफ वाई पीपीटी विद अमोनियकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट. ये कॉमन टेस्ट होता है टर्मिनल अल्काइन्स के लिए. इसका एक एग्जांपल और भी आता है, रिएक्शन डन विद क्यूप्रस सॉल्ट्स इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम. यहां पर इसमें सॉल्यूशन ऑफ CuCl इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड. तो यहां पर क्या हुआ रिएक्शन में, ये दिया आपको रेड पीपीटी, रेड पीपीटी ऑफ क्यूप्रस सॉल्ट, रेड लिखा हमने यहां पर ताकि आपको रेड याद रहेगा कलर देखे. तो यहां पर जब कलर आता है कुछ भी, इसको ट्राई कर सकते हैं आप उस कलर से अपने नोट के अंदर भी, स्केच पेन यूज करके इधर बाउंड्री ड्रॉ कर दीजिए या स्केच उस पेन का शेड कर दीजिए उस कलर का, तो आपको एटलीस्ट कुछ कॉमन जो कंपाउंड होते हैं कलर देख के भी आपको आइडिया मिल सकता है रिएक्शन के लिए. तो ये हमारे कुछ कॉमन रिएक्शंस हैं, स्पेशली आपको ये जो ये दो टेस्ट लिखे हैं ये कॉमन यूज होते हैं एज ए टेस्ट और डिस्टिंक्शन ऑफ द टर्मिनल अल्काइन्स फ्रॉम द नॉन टर्मिनल अल्काइन्स इनकी हेल्प से.
क्या होता है, जो हमारे अल्काइन होंगे टर्मिनल टाइप के, वो क्या बनाते हैं, दे फॉर्म प्रेसिपिटेट, यहां बनता है व्हाइट पीपीटी, यहां बनता है रेड पीपीटी विद Ag प्लस एंड्स, और ये देखा रेड पीपीटी विद Q प्लस सॉल्ट्स, ठीक है। तो दो टेस्ट काफी कॉमन है, बाकी तो आपका रिएक्शन है, ये एसिडिक नेचर शो करते हैं जिनमें हमको हाइड्रोजन गैस मिला, अमोनिया मिला, CH4 मिला, ठीक है। तो ये हमारा हुआ अल्काइन का प्रिपरेशन और कुछ उनके कॉमन रिएक्शंस और कॉमन जो टेस्ट के लिए रिएक्शन आता है ये वाला एसिडिक नेचर का रिएक्शंस है। अब आते हैं प्रॉपर्टीज में, देखिए अल्काइन और अल्किन्स दोनों क्या होते हैं, दोनों में पाई बॉन्ड होते हैं, एल्किन में एक पाई बॉन्ड है, अल्काइन में दो पाई बॉन्ड होते हैं, अल्किन का भी सीसी बॉन्ड नॉन पोलर था, यहां भी क्या है अल्काइन में सीसी बॉन्ड नॉन पोलर होता है क्योंकि दोनों टर्म सेम होते हैं, बट डिफरेंस क्या है कि अल्किन में एच कैसे होते हैं नॉन एसिडिक बोल सकते हैं उनको, बट अल्काइन में जो टर्मिनल अल्काइन होते हैं उनमें एच एसिडिक होता है, उस प्रॉपर्टी को छोड़ दें अगर हम तो बाकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं। एल्किन में एक पाई बॉन्ड है, यहां भी पाई बॉन्ड होते हैं, तो एल्किन अल्काइन्स हैव सिमिलर रिएक्शंस, लेकिन यहां पर रिएक्शन सिमिलर है बट उनका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर दोनों का सेम नहीं होता है, उसको हम एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ रिएक्शन देख सकते हैं।